सांसद अनुराग ठाकुर को राज्य मंत्री बनाए जाने पर हमीरपुर में कार्यकर्ताओं ने लाइव टीवी पर शपथ ग्रहण समारोह का प्रसारण देखा और इस दौरान गांधी चौक पर काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चौथी बार रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर संसद में पहुंचे अनुराग ठाकुर को केंद्रीय राज्य मंत्री में बनाए जाने पर गृह जिला हमीरपुर में खुशी का माहौल है। जैसे शाम के समय अनुराग ठाकुर की ताजपोशी केंद्रीय राज्य मंत्री पद पर होने के बाद सामने आए तो बीजेपी कार्यकर्ता गदगद हो गए। देर रात को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर पटाखे फोड़े और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा के अलावा अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने कहा कि अनुराग ठाकुर को केंद्रीय कैबिनेट में पद मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमीरपुर जिला से पहली बार कोई सांसद केंद्रीय कैबिनेट में जगह बना पाया है, जो कि गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि जब अनुराग ठाकुर हमीरपुर आएंगे तो अनुराग का भव्य स्वागत किया जाएगा। इसी अपनी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाएंगे और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को, हिमाचल प्रदेश को और भारत को पूरे विश्व भर में सबसे आगे लेकर जाएंगे। यही मेरी आशा और शुभकामनाएं ठाकुर के लिए है। हमीरपुर के अल्माइटी पब्लिक स्कूल के छात्रों ने एंटी टोबैको डे के उपलक्ष्य पर स्कूल से लेकर अणुचौक तक रैली निकाली और फिर हमीरपुर के गांधी चौक पर एंटी टोबैको डे पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से तंबाकू का सेवन न करने के लिए लोगों को जागरूक किया। इस नाटक के दौरान स्कूल के छात्रों के अलावा स्कूल के सदस्य भी मौजूद रहे, तो वहीं विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने भी हाथ में तख्तियां लेकर बाजार में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। अल्माइटी पब्लिक स्कूल की अध्यापिका दीप्ति ने बताया कि आज 31 मई के दिन एंटी टोबैको डे मनाया जाता है और ये 1987 में शुरू हुआ था। उन्होंने बताया कि आज एंटी टोबैको डे पर स्कूल के बच्चे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसानों के बारे में जागरूक कर रहे हैं, ताकि लोग इन नशीले पदार्थों का सेवन न करें। अल्माइटी पब्लिक स्कूल की अध्यापिका अर्चना सिंह ने बताया कि बच्चों के इस तरह से नुक्कड़ नाटक करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और साथ ही समाज को भी संदेश दिया जा रहा है कि नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। उन्होंने कहा कि इस नुक्कड़ नाटक का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है और साथ ही उन्होंने कहा कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू का सेवन ना करें, क्योंकि इनके सेवन करने से कैंसर फैलता है। वहीं ऑक्सफोर्ड स्कूल की अध्यापिका और बच्चों ने बताया कि वे इस रैली के माध्यम से लोगों को तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन न करने और उनसे होने वाले नुकसानों के प्रति जागरूक कर रहे हैं, ताकि लोग नशीले पदार्थों का सेवन न करें। खेतों में छलांग लगाने वाले नमन का चयन नेशनल गेम्स में होने पर आज पूरे परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है। डुग्गा कला के निवासी नमन ठाकुर ने नालागढ़ में संपन्न हुई राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में लंबी कूद में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नमन ठाकुर का चयन
अब नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए हुआ है जो कि नवंबर माह में जम्मू में होना तय है। नमन ठाकुर का चयन नेशनल गेम्स में होने पर परिवारजनों ने खुशी जाहिर की है। नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले नमन ठाकुर ने बताया कि बचपन से ही लंबी कूद के लिए दिलचस्पी रहती थी और इसी के चलते पहले खेतों में छलांगे लगाते रहता था, लेकिन बाद में डुग्गा स्कूल में लंबी कूद सीखने का मौका मिला और अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने बताया कि गोल्ड मेडल 5 मीटर लंबी कूद में मिला है। नमन ने बताया कि लंबी कूद में नेशनल प्रतियोगिता में भी गोल्ड लाने के लिए सिंथेटिक ट्रैक अणु मैदान में प्रैक्टिस कर रहा हूं। नमन ठाकुर की माता रीना देवी ने बताया कि छोटे होते ही खेतों में छलांगे लगाता था और उस समय नमन को गालियां भी दी जाती थी, लेकिन आज खुशी है कि नमन का चयन नेशनल खेलों के लिए हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नमन नेशनल खेलों में हमीरपुर का नाम रोशन करेगा। नमन के दादा उधम सिंह व दादी निर्मला देवी ने अपने पोते नमन का चयन नेशनल गेम्स में होने पर खुशी जाहिर की है और कहा कि नेशनल खेलों में भी नमन जिला का नाम रोशन करेगा। आपको बता दें कि नमन ठाकुर ने इससे पहले भी सातवीं कक्षा में लंबी कूद में सिल्वर मेडल जीता था और अब नमन सुबह शाम नेशनल खेलों के लिए मैदान में पसीना बहा रहा है ताकि नेशनल में नाम कमा सके। नमन ठाकुर की छोटी बहन तानिया ठाकुर ने भी अपने भाई के लिए नेशनल खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने की बात कही। जम्मू बाते सिलेक्ट बाते नाम आया, वहाँ भी खुद ट्राई अणु में कर रहा है तो ये वहाँ भी अच्छा सिलेक्ट हुई है तो हमारा नाम दादा दादी का नाम रोशन करेगा और हमें खुशी होगी इस बात की कि हमारा मीरपुर का बच्चा अच्छा निकले और हम खुशी जाहिर करेंगे।